हेलो ऑल लिसनर्स, आज हम इस लर्निंग मोड के थ्रू आपको टैबलेट प्रोसेसिंग प्रॉब्लम और इसे हम टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स भी कहते हैं, इस टॉपिक को आज इस डिस्कशन में और आज इस लेक्चर में आपको इंट्रोड्यूस करेंगे। सो फर्स्टली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं अबाउट दिस टॉपिक रिलेटेड। सो फर्स्टली यू हैव टू सी कि सबसे पहले हम टैबलेट की डेफिनेशन देखने वाले हैं, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टैबलेट आपको पता ही एक सॉलिड डोसेज फॉर्म होता है, जिसको हम मिक्सचर का यूज़ करके, जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स और एक्सीपिएंट्स होते हैं उनका यूज़ करके हम टैबलेट को एक कॉम्पैक्ट प्रेस फॉर्म में एक कंप्रेशन मशीन के थ्रू प्रिपेयर करके सॉलिड डोज बनाते हैं। तो ये होता है टैबलेट। अब क्या होता है टैबलेट, एन आइडियल टैबलेट शुड हैव अ फ्री फ्रॉम एनी विजुअल डिफेक्ट्स। जैसे कि आपको पता है कि टैबलेट कंप्रेस हो गई, बट यू हैव टू इवेलुएट द टैबलेट बिफोर लॉन्चिंग इट इन मार्केट। तो क्या है उसमें देख लेते हैं कि क्या, मतलब जो पर्टिकुलर आपकी टैबलेट होती है उसमें किसी भी तरह से डिफेक्ट नहीं होने चाहिए। को जो टैबलेट होती है पर्टिकुलरली डिफेक्ट फ्री होनी चाहिए, या यू कैन सी उसमें कोई भी तरह का डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिफेक्ट इन टैबलेट आर रिलेटेड टू द इम्परफेक्शन इन एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। कोई भी जो डिफेक्ट्स अराइज होता है पर्टिकुलर टैबलेट में, मेनली फॉलोइंग फैक्टर्स की वजह से अराइज होता है। जैसे फर्स्ट फैक्टर है आपका टैबलेटिंग प्रोसेस, नेक्स्ट इज योर फॉर्मुलेशन, एंड अनदर वन इज योर मशीन। तो दीज आर फर्स्ट फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टैबलेट डिफेक्ट। ठीक है, तो इनको हम वन बाई वन, सबसे पहले अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन से टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स होते हैं। तो हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट द टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग रिलेटेड डिफेक्ट्स, विच इज फर्स्ट इज योर कैपिंग, देन आपका लेमिनेशन, देन आफ्टर योर क्रैकिंग, चिपिंग, स्टिकिंग, पिकिंग, बाइंडिंग, डबल इम्प्रेशन एंड मोटलिंग। दीज आर द टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स। तो इनको हम वन बाय वन देख, तो फर्स्ट डिफेक्ट है आपका कैपिंग। तो कैपिंग के बारे में जान लेते हैं क्या होता है कैपिंग। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक टैबलेट है, जो एक नॉर्मल टैबलेट है, उसके राइट हैंड साइड में आप दूसरी टैबलेट देख रहे हैं, जो क्या है आपकी, उसमें एक डिफेक्ट हो गया है। तो ये जो डिफेक्ट हो गया है, ऐसे डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे, कैपिंग। इसमें पर्टिकुलरली होता क्या है कैपिंग में, अपर और लोअर सेगमेंट जो होता है पर्टिकुलरली टैबलेट का, वो हॉरिजेंटली क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। ठीक है, और ये प्रॉब्लम होती कब है, कब अराइज होती है, मेनली ड्यूरिंग द इजेक्शन ऑफ टैबलेट फ्रॉम द टैबलेट प्रेस। ये कब होती है, जब हम टैबलेट को इजेक्ट करते हैं फ्रॉम द टैबलेट प्रेस, या ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट हैंडलिंग, या हैंडलिंग के टाइम ये प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। तो दिस इज अबाउट द कैपिंग डिफेक्ट। तो लेट्स सी अबाउट द कॉजेज एंड द रेमेडीज रिलेटेड टू इट। तो फॉर्मुलेशन रिलेटेड कॉजेज और रेमेडी देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि लार्ज अमाउंट ऑफ फाइन इन ग्रैन्यूल्स, अगर ग्रैन्यूल्स में फाइन्स बहुत ज़्यादा हैं तब ये प्रॉब्लम कॉज हो सकती है। तो क्या है, आपको यूनिफॉर्म साइज के या फिर अकॉर्डिंग टू नीड ग्रैन्यूल्स यूज़ करने के लिए आपको इसमें सीविंग टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी। जब भी हम प्रेस करने से पहले, तो आपको यूनिफॉर्म साइज के ग्रैन्यूल्स मिल जाएंगे, ऑब्टेन हो जाएंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं लो मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है, तो उसके लिए आपको ग्रैन्यूल्स को मॉइस्ट होना चाहिए, ऑप्टिमम होना चाहिए मतलब। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ बाइंडर और इम्प्रॉपर बाइंडर। इन सपोज कि अगर कोई इनसफिशिएंट अमाउंट में आपने बाइंडर को यूज़ कर दिया तब भी ये प्रॉब्लम है, तो मेनली ऑप्टिमम यूज़ करना है। ठीक है, इंक्रीज कर सकते हैं, इसका रेमेडी है कि हम बाइंडर को इंक्रीज कर दें, इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर क्या होगा उसको चेंज कर दें और अकॉर्डिंग टू द कंपैटिबिलिटी उसको यूज़ कर लें। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं इनसफिशिएंट और इम्प्रॉपर लुब्रिकेंट। जो लुब्रिकेंट यूज़ किया गया वो मे बी क्या हो सकता है, इनसफिशिएंट हो या फिर क्या हो, इम्प्रॉपर हो। तो हम उस केस में क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं लुब्रिकेंट। नेक्स्ट आप देख सकते हैं मशीन रिलेटेड क्या कॉजेज होते हैं, पुअरली फिनिश्ड डाइज। मेनली अगर पुअरली फिनिश्ड डाइज हैं तो टाइम टू टाइम उसको, जो आपकी डाइज है उसको क्या करना चाहिए, पॉलिश कराते रहना चाहिए, तो ये इसका रेमेडी है। नेक्स्ट है डीप कॉनकेव पंचेस नहीं होने चाहिए। ठीक है, मेनली क्या होना चाहिए, फ्लैट पंचेस होने चाहिए, इसका रेमेडी है कि फ्लैट पंचेस वाले
आप पंच को यूज करें, ठीक। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, लोअर पंच रिमेन्स बिलो द फेस ऑफ द डाई ड्यूरिंग रिजेक्शन। तो अगर जो आपका लोअर पंच है प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं है तो, और इजेक्शन के टाइम ये प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। मेक प्रॉपर सेटिंग ऑफ लोअर पंच ड्यूरिंग इजेक्शन, प्रॉपर सेटिंग कर दें जब भी आप टैबलेट को इजेक्ट करने वाले हों, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं हाई टरेट स्पीड, जो आपका स्पीड है टरेट की वो क्या हो सकती है, मे बी हाई हो सकती है, तो उसको रिड्यूस कर दें ड्यूरिंग इजेक्शन। सो हेयर इज योर नेक्स्ट इफेक्ट विच इज योर लैमिनेशन। तो लैमिनेशन में आप देख सकते हैं कि वन साइड इज योर नॉर्मल टैबलेट, विच इज दिस इज योर नॉर्मल टैबलेट, एंड इस टैबलेट में देखिए क्या डिफेक्ट हो गया है। मेनली क्या होता है इसमें देख लेते हैं, लेमिनेशन में मेनली क्या होता है, सेपरेशन ऑफ टैबलेट इंटू टू और मोर डिस्टिंक्ट लेयर। तो मेनली जो आपकी जो टैबलेट होती है टू और थ्री फोर डिस्टिंक्ट हॉरिजॉन्टल लेयर में क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। तो ऐसी प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, लेमिनेशन। तो अब फॉर्मुलेशन रिलेटेड कॉजेज और रेमिडीज देख लें लेमिनेशन में क्या होते हैं। फर्स्ट कॉज है ऑयली और वैक्सी मटेरियल इन ग्रेन्यूल्स। अगर ग्रेन्यूल में ऑयली और वैक्सी मटेरियल है तो भी ये प्रॉब्लम कर सकता है। इसके लिए हमें क्या करना है, मॉडिफाई कर देना है मिक्सिंग प्रोसेस को, या हम एड्सॉर्बेंट या अब्सॉर्बेंट का प्रॉपर यूज करें। नेक्स्ट देख सकते हैं टू मच ऑफ हाइड्रोफोबिक लुब्रिकेंट। अगर जो आपका लुब्रिकेंट है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का है और उसको आपने बहुत ज़्यादा यूज कर लिया है तो भी ये प्रॉब्लम अराइज करेगा लैमिनेशन रिलेटेड। तो क्या करना है उसके लिए हमें, रेमेडी यूज ऑफ लेस अमाउंट ऑफ लुब्रिकेंट और चेंज द टाइप ऑफ लुब्रिकेंट। हम क्या कर सकते हैं, लेस अमाउंट यूज करें लुब्रिकेंट का, या क्या कर सकते हैं, चेंज कर दें जो टाइप ऑफ लुब्रिकेंट है और कंपेटिबल लुब्रिकेंट का यूज करें। नेक्स्ट मशीन रिलेटेड डिफेक्ट देख लेते हैं क्या होते हैं, कॉजेस क्या है। रैपिड रिलैक्सेशन ऑफ द पेरिफेरल रीजन ऑफ अ टैबलेट ऑन इजेक्शन फ्रॉम अ डाई। तो क्या करना है, यूज टैपर डाइज, आई अपर पार्ट ऑफ द डाई हैज एन आउटवर्ड टैपर ऑफ 0 डिग्री, 3 डिग्री और 5 डिग्री। तो आपको जो मेनली आपकी डाइज है उसके अपर पार्ट और जो लोअर पार्ट है उसका क्या है, जो टैपर होता है उसका एंगल और को चेंज करके आपको टैबलेट को इजेक्शन करना है, या अदरवाइज ये प्रॉब्लम अराइज होगी। तो ये मशीन रिलेटेड प्रॉब्लम है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं रैपिड डिकम्प्रेशन। रैपिड डिकम्प्रेशन कर दिया आपने टैबलेट का तब भी प्रॉब्लम करेगा। तो यूज प्री कंप्रेशन स्टेप, रिड्यूस टरेट स्पीड। तो आपको टरेट की स्पीड को कम कर दो, या फिर रिड्यूस द फाइनल कंप्रेशन प्रेशर। तो आप जो कंप्रेशन प्रेशर यूज कर रहे हैं, जो लास्ट वाला कंप्रेशन प्रेशर होता है, तो उसको क्या करना है आपको, रिड्यूस कर दें ताकि ये प्रॉब्लम अराइज ना हो। तो नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज क्रैकिंग। हेयर यू सी इन द पिक्चर की जो आपकी पर्टिकुलर टैबलेट है वो मेनली बहुत सारे उसमें क्रैक आ गए हैं, ठीक है। तो क्या होता है, फाइन क्रैक्स और द स्मॉल क्रैक्स ऑब्जर्व ऑन द अपर एंड द लोअर सेंट्रल सर्फेस ऑफ द टैबलेट। क्या होता है कि जो टैबलेट का अपर पार्ट होता है और जो लोअर पार्ट होता है, मेनली वहाँ पे क्या हो जाता है, स्मॉल और फाइन क्या हो सकते हैं, क्रैक पड़ जाते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, क्रैकिंग कहते हैं, ठीक है। तो इसके फॉर्मुलेशन रिलेटेड कॉज एंड रेमेडी देख लें। अगर क्या है, बहुत ज़्यादा लार्ज साइज का आपने ग्रेन्यूल ले लिया है तब भी ये प्रॉब्लम करेगा, तो आपको क्या करना है, रिड्यूस कर दे ग्रेन्यूल साइज को, ठीक है। नेक्स्ट के लिए बहुत ज़्यादा ड्राई है आपका ग्रेन्यूल तो आपके लिए उसको क्या करना है, मॉइस्ट रखें ग्रेन्यूल को, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं टैबलेट को एक्सपैंड कर दें, कर दिया तो भी आपको ये प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। एड ड्राई बाइंडर, उसके लिए आपको क्या करना है, ड्राई बाइंडर यूज करना है, ये रेमेडी है। अगर ग्रैनुलेशन जो है बहुत कोल्ड है तो कंप्रेशन क्या करना है, रूम टेम्परेचर पे मेनली कंप्रेस करना है, तो ये रेमेडी हो गई। अब मशीन रिलेटेड कॉजेज देख सकते हैं, टैबलेट एक्सपैंड ऑन इजेक्शन ड्यू टू एयर इंट्रैपमेंट, ठीक है। टैबलेट एक्सपैंड हो गया ऑन इजेक्शन ड्यू टू एयर इंट्रैपमेंट, एयर इंट्रैपमेंट हो जाता है तब भी ये प्रॉब्लम कॉज करती है। नेक्स्ट रेमेडी देख लेते हैं इससे रिलेटेड, यूज टैपर डाई, टैपर डाई का यूज करना है। नेक्स्ट आप देख लेते हैं इससे रिलेटेड कॉज, डीप कॉनकेविटीज कॉजेस क्रैकिंग वाइल रिमूविंग टैबलेट। नेक्स्ट देख लेते हैं इससे रिलेटेड रेमेडी, यूज स्पेशल टेक ऑफ, स्पेशल टेक ऑफ करना है ताकि ये प्रॉब्लम ना अराइज हो। तो दिस इज अबाउट द क्रैकिंग डिफेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज चिपिंग डिफेक्ट। मेनली यहाँ पे आप देख रहे होंगे चिपिंग में ऐसी प्रॉब्लम अराइज होती है, तो ये आप
स्क्रीन पे लगी हुई पिक्चर को देख लीजिए, कैसी ये पिक्चर है, इसमें टैबलेट में कैसे डिफेक्ट अराइज होती है, कैसे जो टैबलेट के एजेस होते हैं वो मेनली क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि ये स्मॉल पोर्शन ब्रेक होके सेपरेट ही हो गया है, तो क्या हो जाता है, टिपिंग चिपिंग इज डिफाइंड एज द ब्रेकिंग ऑफ टैबलेट एजेस व्हाइल द टैबलेट लीव द प्रेस और ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट हैंडलिंग। मेनली कब होता है कि जब आप टैबलेट को प्रेस करके उसको इजेक्ट कर रहे होते तब ये प्रॉब्लम होती है, और या फिर हैंडलिंग के टाइम ऐसी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसके क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिस वजह से ये कॉजेस हो सकते हैं जिस वजह से ऐसी चिपिंग की प्रॉब्लम अराइज होती है वो देख लेते हैं। स्टिकिंग ऑन पंच फेसेस, पंच फेसेस पे स्टिक कर गया, ठीक है, तो क्या रेमेडी है, ड्राई द ग्रेन्यूल प्रॉपरली। आपके ग्रेन्यूल को क्या करना है, प्रॉपरली ड्राई करना है, ना ज़्यादा ड्राई करना है ना ही कम ड्राई करना है, या और क्या करना है आपको, लुब्रिकेशन को इंक्रीज कर देना है, ठीक है, डाइज में। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि क्या कॉज हो गया, नेक्स्ट टू ड्राई ग्रेन्यूल, ग्रेन्यूल बहुत ज़्यादा ड्राई है तब भी प्रॉब्लम है, तो आपको ग्रेन्यूल मॉइस्ट रखना है। तो मेनली क्या है, ऑप्टिमम ड्राइंग देनी है आपको ग्रेन्यूल की जो नीड हो, ठीक है। टू मच बाइंडिंग कॉज, बाइंडिंग एजेंट डाल दिया है तब भी ये प्रॉब्लम कर रहा है, फिर तो हमें क्या करना है, ड्राई बाइंडर यूज़ करें या फिर ऑप्टिमम बाइंडर का यूज़ करें, ठीक है, तो ये आपका रेमेडी हो गया। नेक्स्ट मशीन रिलेटेड देख सकते हैं, ग्रूव ऑफ डाई वॉन एट कंप्रेशन पॉइंट, ठीक है, इसका रेमेडी है पॉलिश टू ओपन एंड रिवर्स और रिप्लेस द डाई, ठीक है। तो मेनली आप अपनी डाई को क्या करें, रिवर्स करते रहें, रिप्लेस करते रहें, ये इसका मशीन रिलेटेड रेमेडी है। नेक्स्ट है बैरल डाई, द डाई वाइडर देन एंड्स, ठीक है, जो आपके बैरल डाई आपको यूज़ करने हैं, ऐसे डाई जो क्या होती है, जो सेंटर में क्या होती, वाइड होती है, एंड से मतलब जो एंडिंग होती है उससे ज़्यादा वाइड होती है, उस सेंटर में ऐसी डाई को हम बैरल डाई कहते हैं। तो इस टाइप की डाइस का यूज़ करना चाहिए मशीन में जब हम कंप्रेस कर रहे हो टैबलेट। रेमेडी क्या हो सकती है, पॉलिश द डाई टू मेक इट सिलेंड्रिकल, डाई को पॉलिश करें तो सिलेंड्रिकल करते रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है एज ऑफ पंच फेस टर्न इनसाइड इनवर्ड, ठीक है, जो आपको पंच फेसेस है मेनली उनको टर्न करना है इनसाइड या इनवर्ड टर्न करना है, ठीक है, इसके लिए रेमेडी है कि पॉलिश द पंच एजेस, मेनली आपको पंच एजेस को क्या करना है, पॉलिश करता आते रहना है। तो यूजुअली आप देख रहे होंगे कि जो आपकी डाइज है, जो मशीन रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसमें आपको प्रॉपर लुब्रिकेशंस, प्रॉपर पॉलिशिंग कराते रहना है ड्यूरिंग योर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, या फिर एट द टाइम ऑफ योर कंप्रेशन यू हैव टू लुब्रिकेट योर मशीन। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कॉनकैविटी टू डीप टू कंप्रेस प्रॉपरली, नेक्स्ट इसको रिड्यूस द कॉनकैविटी ऑफ द पंच फेसेस, यूज फ्लैट पंचेस, मेनली आपको क्या करना है फ्लैट पंच। नाउ व्हाट इज स्टिकिंग, तो स्टिकिंग क्या होता है, यहाँ पे आप पिक्चर में देख लीजिए मेनली क्या हो गया, स्टिकिंग रिफर्स टू द टैबलेट मटेरियल एडहेरिंग टू द डाई वॉल, जो आपका टैबलेट मटेरियल होता है मेनली डाई वॉल पे अडहेर हो जाता है, ऐसी प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, स्टिकिंग कहते हैं। क्या एडिशनल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन बिटवीन द टैबलेट एंड द डाई वॉल ड्यूरिंग इजेक्शन, आपको क्या करना है एडिशनल फोर्स अप्लाई करना है इसको ओवरकम करने के लिए, ठीक है, जिससे आपका टैबलेट के बीच में फ्रिक्शन ना हो। कब ना हो, जब आप डाई वॉल से अपनी टैबलेट को इजेक्ट कर रहे हो तब आप इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है मेनली जो आपका टैबलेट मटेरियल होता है अडहेयर कर जाता है डाई वॉल पे, तो आपकी कंडीशन को कहते हैं स्टिकिंग। तो देख लेते हैं इससे रिलेटेड कॉजेज एंड रेमेडीज, फॉर्मुलेशन रिलेटेड, ग्रैन्यूल्स नॉट ड्राइड प्रॉपरली, अगर ग्रैन्यूल बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं हुआ है तब भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो क्या करना है रेमेडी, ड्राई द ग्रैन्यूल प्रॉपरली, ठीक है। टू लिटिल और इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन प्रॉपर करना है, इंक्रीज करना है। टू मच बाइंडर, ज़्यादा बाइंडर यूज़ कर दी तो भी प्रॉब्लम है, तो रिड्यूस कर दे बाइंडर को, अमाउंट को। ऑयली और वैक्सी मटेरियल, ऑयली और वैक्सी मटेरियल यूज़ किया गया है तो उसके लिए मॉडिफाई कर दे मिक्सिंग को, ताकि और एब्जॉर्बेंट यूज़ कर ले ताकि ये प्रॉब्लम अराइज ना हो। नेक्स्ट है टू सॉफ्ट और वीक ग्रैन्यूल्स,
जो आपके ग्रेन्यूल्स है बहुत सॉफ्ट है या फिर वीक है, वो आपस में टुगेदरली मर्ज नहीं है, पाउडर उससे निकला जा रहा है, ठीक है, और तो ये प्रॉब्लम हो गई। तो ऑप्टिमाइज कर दे अमाउंट ऑफ बाइंडर को। नेक्स्ट, मशीन रिलेटेड कॉजेज एंड रेमेडी देख लेते हैं। कॉनकेविटी टू डीप फॉर ग्रैनुलेशन, रिड्यूस कॉनकेविटी टू ऑप्टिमम। नेक्स्ट, टू लिटिल प्रेशर, इस रेमेडी है इंक्रीज कर दे प्रेशर को। कंप्रेसिंग इट टू फास्ट, जो आपका जो कंप्रेशन किया है वो बहुत ज़्यादा जल्दी कर दिया है तो भी प्रॉब्लम कर दिया, ठीक है, तो रिड्यूस कर दे स्पीड को, टर्ड स्पीड को और द प्रोसेस ऑफ द स्पीड को, ठीक है। तो ये हो गई स्टिकिंग रिलेटेड डिफेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज पिकिंग। तो पिकिंग क्या होता है, पिकिंग इज मोर स्पेसिफिक टर्म दैट डिस्क्राइब्स प्रोडक्ट स्टिकिंग ओनली विद इन द लेटर्स, लोगोज और डिजाइन ऑन पंच फेसेस। मेनली क्या है, समटाइम्स जो आप मार्केट में टैबलेट्स देखते होंगे, आती होगी जिसमें किसी भी टाइप का अल्फा या न्यूमेरिक जैसा कुछ लिखा होता है, तो क्या होता है, या फिर कुछ लोगो बना होता है। तो मेनली क्या होता है, जब हम टैबलेट प्रिपेयर करते हैं तो जब टैबलेट रिलेटेड जो आपका मटेरियल होता है वो क्या करता है, वो पर्टिकुलरली लोगोस या फिर जो लेटर्स होते हैं उन पे आके क्या हो जाता है, एक जगह अडहेर हो जाता है। तो क्या होता है, उससे क्या होता है, जो पर्टिकुलरली टैबलेट में जो आपका प्रोडक्ट होता है वहां पे स्टिक हो जाता है ऐसी जगह पे, तब ऐसी प्रॉब्लम को हम क्या कहेंगे, पिकिंग कहेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फॉर्मुलेशन रिलेटेड हम कॉजेज एंड रेमेडीज देख लें। ग्रैन्यूल नॉट ड्राई प्रॉपरली, ग्रैन्यूल बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है तो उसको हमें ड्राई प्रॉपर करना है। बहुत ज़्यादा लुब्रिकेंट यूज़ नहीं करना है, अगर ज़्यादा है तो कम कर दें, कम है तो ज़्यादा कर दें, मेनली ऑप्टिमम रखें, ठीक है, या फिर चेंज कर दें, अकॉर्डिंग टू नीड यूज़ करें। लो मेल्टिंग पॉइंट सब्सटेंस, तो हमें क्या करना है, हाई मेल्टिंग पॉइंट सब्सटेंस यूज़ करना है। मे सॉफ्टन फ्रॉम हीट ऑफ कंप्रेशन, जो कंप्रेशन मशीन होती है उसमें भी एक हीट प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो क्या होगा है? तो वो क्या कर देगा, मटेरियल को आपको सॉफ्ट कर देगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, प्रॉपरली लुब्रिकेंट्स यूज कर लें। लो मेल्टिंग पॉइंट मेडिकामेंट्स जो होते हैं वो यूज हुए हैं, तो हाई कंसेंट्रेशन पे जो यूज हुए हैं तो वो भी प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो रेफ्रिजरेट ग्रेन्यूल्स एंड द एंटायर टैबलेट प्रेस। टू वार्म ग्रेन्यूल व्हेन कंप्रेसिंग, बहुत ज़्यादा वार्म ग्रेन्यूल यूज़ किए गए हैं जब कंप्रेशन में, तो भी ये प्रॉब्लम है। कूल सफिशियंटली बिफोर कंप्रेशन, क्या कर रहे हैं, कंप्रेशन से पहले उसको प्रॉपरली कूल कर लें। टू मच अमाउंट ऑफ बाइंडर यूज़ किए गए हैं, रिड्यूस कर दें और चेंज कर दें बाइंडर को। मशीन रिलेटेड देख लेते हैं कॉजेज, रफ पंच फेसेस, तो क्या करना है, पॉलिश करते रहना चाहिए आपको टैबलेट प्रेस को। नेक्स्ट आप देख लेते हैं, डिवाइडिंग लाइंस इज टू डीप, जो लाइंस हैं जो डिवाइड की गई हैं वो बहुत ज़्यादा डीप हैं। रिड्यूस डेप्थ को रिड्यूस करें, प्रेशर कम है तो इंक्रीज कर दें, ज़्यादा है तो कम कर दें, मेनली ऑप्टिमम रखें, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द पिकिंग डिफेक्ट। नेक्स्ट आप देख लेते हैं, व्हाट इज बाइंडिंग डिफेक्ट। तो बाइंडिंग में पिक्चर में आप देख लीजिए कैसा होता है बाइंडिंग की प्रॉब्लम। स्टिकिंग ऑफ टैबलेट टू द डाई एंड डज नॉट इजेक्ट प्रॉपरली आउट ऑफ द डाई, क्या होता है, जो आपका टैबलेट मटेरियल होता है मेनली क्या होता है, स्टिक हो जाता है। कहाँ पे स्टिक हो जाता है, डाइज पे, और क्या होता है, इजेक्शन प्रॉपर नहीं होता है और मटेरियल वहाँ पे स्टिक हो जाता है, ठीक। तो ऐसी प्रॉब्लम को हम क्या कहेंगे, बाइंडिंग कहेंगे, ठीक है। तो फॉर्मुलेशन रिलेटेड देख लेते हैं क्या होते हैं कॉजेज एंड रेमेडीज। टू मच ग्रेन्यूल्स यूज किए गए हैं, तो वो जो ग्रेन्यूल्स जो यूज़ किए गए हैं वो मॉइस्ट बहुत हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम्स को हमें शॉर्ट आउट करना है। कैसे कर सकते हैं, ड्राई करें प्रॉपरली ग्रेन्यूल को। नेक्स्ट देख सकते हैं, इम्प्रॉपर लुब्रिकेंट यूज़ किया गया है तो हम क्या करें, इंक्रीज कर दें। टू कोर्स ग्रेन्यूल यूज़ किया गया है तो रिड्यूस कर दें, ठीक है। टू हार्ड ग्रेन्यूल यूज़ किए गए हैं, ठीक है, तो भी हम उसको मॉडिफाई कर दें। अब नेक्स्ट है कि आपका ग्रैनुलर मटेरियल टू वार्म, जो आपका ग्रैनुलर मटेरियल है बहुत ज़्यादा वार्म है, उसके लिए रिड्यूस करें टेम्परेचर को। तो ये हो गया रेमेडीज से रिलेटेड। नेक्स्ट कॉज देख सकते हैं, पुअरली फिनिश्ड डाइज, जो डाइज हैं आपकी प्रॉपरली फिनिश नहीं है, तो हमें क्या करना है, पॉलिश कराते रहना चाहिए पर्टिकुलरली टैबलेट प्रेस को मोस्ट ऑफ द टाइम और टाइम टू टाइम।
नेक्स्ट देख लेते हैं, रफ डाइज ड्यू टू एब्रेशन टू कोरोजन, मे बी कोरोजन हो गया हो तो हमें वो इन्वेस्टिगेट करते रहना चाहिए, या फिर स्टील के बने हुए टैबलेट प्रेस का यूज़ करना चाहिए। जो डाइज हैं अंडर साइज्ड हैं तो उसके लिए हमें प्रॉपर डाइज यूज़ करनी चाहिए। टू मच प्रेशर लगा दिया गया ड्यूरिंग इजेक्शन तो रिड्यूस करना चाहिए प्रेशर को। तो दिस अगर हम इस तरह के कॉजेस होते हैं तो ये पर्टिकुलरली रेमेडीज यूज़ कर लें, आप ब्लाइंडिंग की प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकते। नेक्स्ट देख लें, व्हाट इज मोटलिंग। मोटलिंग में आप यहाँ पे देख रहे होंगे टैबलेट का कैसा इफेक्ट हो जाता है। तो ये मेनली क्यों होता है, मेनली अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर। तो मोटलिंग इज टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑफ अ टैबलेट। मेनली जो टैबलेट हो में आपने जो कलरिंग एजेंट यूज किए हैं वो अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो ऐसी प्रॉब्लम को हम क्या कहेंगे, मोटलिंग। ठीक है, तो उससे रिलेटेड कॉजेज देख सकते हैं। अ कलर ड्रग यूज अलॉन्ग विथ कलरलेस और वाइट कलर्ड सब्सटेंस। ठीक है, तो उसके लिए रेमेडी है यूज प्रॉपर कलरेंट्स। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, अ डाई माइग्रेट टू सरफेस ऑफ ग्रेनुलेशन वाइल ड्राइंग। ठीक है, तो उसके लिए चेंज कर दे सॉल्वेंट को, सॉल्वेंट सिस्टम को, बाइंडर को। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं, इम्प्रॉपर मिक्स डाई स्पेशली ड्यूरिंग डायरेक्ट कंप्रेशन। ठीक है, तो मिक्स करें प्रॉपरली, रिड्यूस कर दें साइज को। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं, प्रॉपर मिक्सिंग करें नहीं की गई है, बाइंडर को जो यूज़ किया है और कलरिंग जो यूज़ किया गया है। तो मेनली हमें क्या करना है, इसके लिए हमें ड्राई कलर्स यूज़ करने हैं। ठीक है, या फिर हमें क्या करना है, प्रॉपरली बाइंडर जो सॉल्यूशन यूज़ किया गया है, जो हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है उसको प्रॉपरली मिक्स करें। ठीक है, देन ऐड फाइन पाउडर एडहेसिव सच एज अकेशिया एंड ट्रैगाकैन एंड मिक्स वेल। तो हम इसके लिए अकेशिया एंड ट्रैगाकैन जैसे एडहेसिव का यूज़ करके इस टाइप की प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम अपना ग्रैनुलेटिंग लिक्विड यूज़ करें। ठीक है, तो इस तरीके से आप मोटलिंग की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। सो लास्ट आपका डिफेक्ट है विच इज़ योर डबल इम्प्रेशन। तो डबल इम्प्रेशन क्या होता है, सिंपली जानने वाली बात है इसमें कि क्या होता है कि अगर किसी टैबलेट में इंग्रेविंग करनी है या फिर क्या है, लोगोस बनाना है। तो ठीक है, ड्यूलिंग कंप्रेशन, एक बार लोगो बन गया है आपकी टैबलेट प्रेस के टाइम, टैबलेट पे इम्प्रेशन आ गया है इस लोगो का, तो क्या होता है उसके बाद जब हम टैबलेट को इजेक्ट करने चाहते हैं तो जो आपके पंच होते हैं फ्रीली मूवेबल होते हैं और रोटेट करते रहते हैं। ठीक है, तो जब हम एक बार अब टैबलेट को इजेक्ट करने वाले होते हैं तो फिर से एक बार क्या होता है, फिर से सेम लोगों का इम्प्रेशन आ जाता है पर्टिकुलर टैबलेट पे। तो इस तरीके से जो इम्प्रेशन हो गया डबल हो गया, तो ऐसे प्रॉब्लम को हम कहेंगे डबल इम्प्रेशन। ठीक है, तो मेनली ये क्यों होता है, जब आपका पंच होता है फ्रीली रोटेट करता है और सेम इंग्रेविंग या लोगों पे इजेक्शन के टाइम फिर से एक इम्प्रेशन दे देता है, तो ऐसी प्रॉब्लम को हम कहेंगे डबल इम्प्रेशन। ठीक है, तो कॉजेज देख लेते हैं क्या होते हैं, फ्री रोटेशन ऑफ आइदर अपर पंच एंड द लोअर पंच ड्यूरिंग इजेक्शन ऑफ द टैबलेट। नेक्स्ट देख लेते हैं, रेमेडी क्या होती है, यूज कीइंग इन टूलिंग। तो क्या करना है, जो हमें जो टूल है आपके डाइज पंचेस में क्या करना है, कीज यूज करना है। कैसे करना है, हम क्या करें, अपर जब हम टैबलेट को इजेक्ट करने वाले हो तो जो आपका पंच हो उसको हम क्या कर दें, की से लॉक कर दें। तो क्या होगा, दोनों के पंचेस के पोजीशंस फिक्स हो जाएंगे और वो अपनी एक जगह पे स्टैटिक हो जाएंगे। ठीक है, वो मूवेबल नहीं रहेंगे, तो उससे क्या होगा, रोटेशन नहीं होगा और डबल इम्प्रेशन जैसी प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐसी रेमेडी से आप डबल इम्प्रेशन की प्रॉब्लम। सो आई एम एंडिंग माई लेक्चर ओवर हेयर, दिस इज अबाउट टूडे। थैंक यू सो मच ऑल।